So guys, I'm very excited to welcome Avneet Kaur. She's a musically star and very fabulous, very top TV actress. She currently comes on Aladdin on Sub TV. So Avneet Kaur aa rahi hai celebrity phase mein aur ab hum ja rahe hain unka welcome karne. So I'm very excited. She's my favorite. So I'm super duper excited to welcome Avneet Kaur. To unka welcome bahut hi जोरदार और ग्रैंड लेवल पे होगा अभी सेलिब्रिटी फेस में. मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे वेलकम करते हैं. थैंक यू. सो गाइस हम अब जा रहे हैं अवनीत कौर का वेलकम करने. अवनीत कौर के सारे फैंस यहाँ पे आ चुके हैं. ऑल आर लाइंड अप. सारे लोग अवनीत कौर का वेलकम करने के लिए बहुत ही रेडी हैं. हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अवनीत टू सेलिब्रिटी फेस वेला. आपके यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है. आप आई थिंक यहाँ पे 8th और 9th टाइम आई हैं. यस, आई थिंक 8th टाइम आई थिंक. यस, थैंक यू सो मच वेलकम के लिए. तो अवनीत, ये ट्रैवल रिलेटेड वीडियो है, यहाँ पे हम आपसे ज्यादातर ट्रैवल की चीजें ही पूछेंगे. सो गाइस, एज यू नो, अवनीत कौर बहुत ही पॉपुलर है म्यूजिकली में, इंस्टाग्राम में, एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड एज वेल एज वेरी गुड एक्टर. वो यास्मीन का रोल कर रही हैं अलादीन में. जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप कुछ बताइए अपने रोल के बारे में. आई थिंक यास्मीन का बहुत ही अच्छा रोल, एक स्ट्रॉन्ग रोल है. okay. और पावरफुल रोल है क्योंकि शी इज अ वॉरियर प्रिंसेस. और टेलीविजन पे अभी तक इतना कोई वॉरियर प्रिंसेस रिलेटेड नहीं आया है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग इट एंड आई एम प्लेइंग सो इम्पोर्टेंट रोल इन अलादीन. एंड कीप वॉचिंग अलादीन, नाम तो सुना होगा, ओनली ऑन सब टीवी. तो गाइस, ये जो इंटरव्यू हम ले रहे हैं ये मेनली ट्रैवल चैट रिलेटेड शो है. और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल की ही बातें करेंगे, बिकॉज बाकी तो आप इंटरव्यूज अपनी के देख रखे होंगे ऑनलाइन, बट ये थोड़ा डिफरेंट है.
सवनीत आपके सारे फैंस जानना चाहते हैं, इवन हम जानना चाहते हैं, सवनीत आपकी फेवरेट एयरलाइंस कौन है इंडिया में जिसमें आप ट्रैवल करती हैं ज्यादा से ज्यादा, क्या आपको पसंद है? I think विस्तारा मुझे एंड फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया में जहाँ आपको घूमना बहुत पसंद है, जहाँ आप जाना चाहती हैं बार बार, क्या यही घूमना है मेरे को और कहीं नहीं जाना? आई थिंक मैं अभी तक जा नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ जाना है, वो है कश्मीर, सो आई रियली वांट टू गो टू कश्मीर बिकॉज़ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके एंड मुंबई में कौन सी फेवरेट जगह है जहाँ पे आप घूमना बहुत पसंद करती हैं? मुझे बीच मुंबई के बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे बहुत पीस शांति होता है, तो अक्सर बीच आई वुड से कि आई रियली लाइक अक्सर बीच, मेरे घर के पास भी है तो मैं अच्छे जाके टाइम स्पेंड करती हूँ। और अवनीत ये बताइए आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड है राजमा चावल, घर के बने राजमा चावल, उससे ज्यादा नहीं मुझे कुछ पसंद। बाहर कुछ नहीं पसंद है आपको? अच्छा बाहर इफ यू आस्क मी देन फास्ट फूड में आई लाइक पिज्जा लॉट, पिज्जा एनी टाइम। अवनीत ये भी जानना चाहेंगे और आपके इतने सारे फैंस हैं म्यूजिकली में इंस्टाग्राम में, आपको कौन सी चीज़ है जो मोटिवेटेड रखती है, इतना आप इतने पोस्ट करती हैं, इतने सारे वीडियोस क्रिएट करती हैं, क्या चीज़ आपको मोटिवेटेड रखती है सबसे ज़्यादा? आई फील सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए ये है कि मेरी एक वीडियो देख के, मेरी एक फ़ोटो देख के जो स्माइल आप लोगों के चेहरे पे आती है, जो हंसी आती है जब हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और आप लोग कितना हंसते हैं और इसको बार बार देखते हैं। आई रिमेम्बर एक ऐसा सीन हुआ था, मैं पार्टी पे गई थी और कोई आया मुझे बोला आपकी वो 12 महीने पहले आपने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने उसको प्राइवेट में सेव किया हुआ है और जब भी मैं गुस्से में होता हूँ या सैड होता हूँ मैं उसको बार बार देखता हूँ, सो दैट इज़ द मोमेंट वेन यू वेरी हैप्पी। तो ये आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आपके फैंस आपकी वीडियो सेव करके अपने जब उनका बैड टाइम है वो देख के एक मोटिवेट होते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो इवन मैं भी करता हूँ, मेरे जो फेवरेट लोग हैं उनके वीडियोस में सेव रखता हूँ गाइस, तो इवन आप लोग भी सेव कर सकते हो अवनीत कितने अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपको मोटिवेट करे या आपको खुश करे। म्यूजिकली तो बहुत ही अच्छी बनाती हैं, आपने ये ट्रिक सीखे कहाँ से म्यूजिकली बनाना? म्यूजिकली बनाना मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस व्हेन यू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स तो आपको धीरे धीरे उसमें आ ही जाता है, सो ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, वीएफएक्स जो आजकल चल रहा है म्यूजिकली पे धीरे धीरे करके हमने भी सीख लिया। तो आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, किसी को म्यूजिकली स्टार बनना है गर्ल्स को या बॉयज को, क्या करें वो? आई थिंक टिकटॉक राइट नाउ विच इज़ अ वेरी बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट, तो अगर आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छा लग रहा है, दिलचस्पी है, तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं और इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, सो वहाँ ट्राई कीजिए और आपको कितने सारे हाथ्स मिलेंगे, इतने सारे कमेंट्स मिलेंगे और आपको कितनी खुशी होगी ये तब आप देखेंगे। अवनीत को ट्रैवल करना किस में पसंद है, फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में या कार में? आई एम अ वेरी कार, नोबडी नोज दिस बट आई एम अ वेरी कार सिक पर्सन, मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग जैसा होता है, सो पापा नोज दैट वेरी वेल, बस आई हेट बसेस, सो आई थिंक ट्रेन आई रियली लाइक, एयरलाइन में मुझे बहुत डर लगता है, सो बस ट्रेन मुझे पसंद है। आपको डर लगता है जब टर्बुलेंस आता है? exactly, मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं लैपटॉप लेके जाती हूँ ताकि मूवीज में यू नो कॉन्सेंट्रेट करूँ जो भी वो बताना चले। ओके और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनको देखते होंगे, तो आपको कैसा फील होता है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, बिकॉज सेम एज ग्रुप के हैं, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, तो आपको क्या सजेशन देते हो एक दूसरे को, जैसे आपके कोलीग सिद्धार्थ हैं, इज वेरी गुड फ्रेंड आल्सो, और अरिशफा है, आशिका है, अनुष्का है, तो क्या क्या कोई फीडबैक देते हैं एक दूसरे का, यार तेरे तूने इस सीरियल में ये काम नहीं किया अच्छा, क्या तू इससे अच्छा कर सकती थी, ऐसा कुछ होता है कभी डिस्कशन आप लोगों में? सीरियल रिलेटेड तो इतना नहीं होता है बट जितना मैं जानती हूँ आशिका, मैं जो हम लोग टिकटॉक यूजर्स हैं ऑलरेडी, जो गुड फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे की वीडियोज में खामियां निकालते रहते हैं और कैसे कभी बोलते रहते हैं कि अच्छा वो भी मुझे बोलती है अच्छा नहीं तेरा एक्सप्रेशन बहुत गंदा है इसको चेंज कर वापस शूट कर, सो हाँ इतना होता है एंड आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो हर जगह होना चाहिए बिकॉज विदाउट दैट देयर इज नो फन, सो आपने अच्छा वीडियो बनाया वहाँ पे कमेंट दिया अच्छा नहीं यार बेकार है, ऐसा होता है बहुत टाइम, कमेंट आई थिंक मुझे उसकी लाइक कोई भी मेरी जितने भी फ्रेंड्स सब वीडियोस अच्छी लगती है, पर कभी कभी उनका मजाक उड़ाने के लिए और उनका कमेंट सेक्शन पे मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी कमेंट कर देना चाहिए, उसे प्यार कहते हैं। ग्रेट, आप जैसे आपने बोला कश्मीर आप जाना चाहते हो जी, आउट ऑफ इंडिया आप कहाँ जाना चाहते हैं?
आउट ऑफ इंडिया आई फील पहले आप कहीं गए हो कोई कंट्री अभी तक? जी जी मैं यहाँ गई, सिंगापुर गई हूँ, बैंकॉक गई हूँ. सो मैंने थाईलैंड तो देख लिया है, बट देन आई रियली वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड इज अ प्लेस आई वुड लाइक टू गो. सो ऑल द एयरलाइंस जो स्विट्जरलैंड जाती हैं, अवनीत इज अवेलेबल. या आई एम अवेलेबल गाइस, श्योर, एनी टाइम कॉल मी इफ एनीवन वांट. Yeah. अवनीत को आप टूर के लिए ले जाना चाहते हैं? Obviously we can plan. Obviously that will take time, but obviously plans to rahega. Absolutely. It was lovely chatting with you, Avni. It was lovely interaction. See you very soon. All the best. Thank you so much, guys, for all the support, love. So guys, do subscribe to the channel, share this video, comment on this video, like this video, share as much as you can with your colleagues and your relatives and your friends, everybody. And we love you guys so much. Thank you so much, guys. Love you all. Love you. Cheers. Thank you. Bye-bye.